हेलो एवरीवन, सो ये केक मैंने बनाया था गुरुनानक जयंती में गुरुद्वारे में कट करने के लिए। और ये ना मैंने गुरुनानक जयंती के नेक्स्ट डे पे बनाया था, क्योंकि बनाना तो मुझे उसी दिन था, बट उस दिन इतने सारे फंक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पे कि मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला था केक को बनाने का, और फिर लास्ट में इतना ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए फिर मैंने इसको नेक्स्ट डे पर बनाया। और बहुत ज़्यादा बड़ा केक नहीं बना, क्योंकि उस टाइम आरती पे नेक्स्ट डे पे इतने ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, और अगर मैं उस दिन बनाती तो बहुत बड़ा सा मैं केक बनाती, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं गुरु नानक जयंती में। तो इसलिए ना यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ही केक बनाया है, और इसको मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर में। और ये देखिए क्रश भी जो है ना मेरा पास ख़त्म हो गया था, और बहुत मुश्किल से मैंने इसको एडजस्ट किया। बट केक की सोकिंग के लिए जब मैंने पाइनएप्पल क्रश में पानी को डाला तो मुझे ना क्रश कम लग रहा था इसमें बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया ना, क्रश को एक बोल में निकाल लिया, और फिर जितना भी पानी था इसमें जो हमने शुगर सिरप बनाया था उसको मैंने बॉटल में डाल के अच्छे से उसको शेक कर लिया। और अब इससे मैं केक की सोकिंग करूंगी तो बहुत अच्छा पाइनएप्पल का जो फ्लेवर है वो हमारे पूरे केक में आ जाएगा। और जो हमें फिलिंग है उसके लिए भी हमको क्रश जो है वो मिल चुका है बोल में, उसके साथ हम केक की फिलिंग करेंगे। तो केक का टेस्ट भी वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जो हमने इसको गुरुद्वारे में कट किया और कैसा था ये अंदर से कटिंग करके सब कुछ मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ना मैंने 4.5 इंच के केक टिन में इस केक को बेक किया है, और लगभग 3/4 कप के जितना मैंने यहाँ पे प्रीमिक्स का यूज़ किया था। और फिर केक की तीनों लेयर्स को कट करके जैसे हम इसको अरेंज करते हैं, जैसे हम इसकी क्रम कोटिंग वगैरह करते हैं वैसे ही कर लेंगे। तो इसके लिए जो हमने पाइनएप्पल वाला शुगर सिरप बनाया उसके साथ स्पॉन्ज की सोकिंग कर दी है, फिर क्रीम की एक लेयर को अप्लाई किया, और फिर इस पर अप्लाई कर दिया पाइनएप्पल क्रश। तो कम था पाइनएप्पल क्रश मेरे पास, पर पूरा हो गया था वो एट द एंड। और मैं ना वैसे फ्लेवर जो है केक का वो चेंज कर देती अगर मुझे पता होता कि क्रश जो है कम पड़ जाएगा तो, बट मैं बनाना केक को स्टार्ट कर चुकी थी, शुगर सिरप वगैरह मैंने बना लिया था, तो फिर मैंने इसे पाइनएप्पल फ्लेवर में ही कंटिन्यू किया। और इसमें ना सोकिंग मैंने अच्छे से की है हर लेयर की, जैसे कि मैं हमेशा अपने केक्स में करती हूँ, तो सोकिंग आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, तभी केक खाने पर अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने फाइनल लेयर को रख दिया, उसकी भी सोकिंग कर दी, और थोड़ी सी क्रीम के साथ मैंने पूरे केक की अच्छे से क्रम कोटिंग कर दी, और फिर रख दिया मैंने इसे फ्रिज में सेट होने के लिए। वैसे मैं केक्स को फ्रीज़र में ही रखती हूँ सेट होने के लिए, क्योंकि टाइम कम होता है, तो क्रम कोटिंग के बाद तो मैं हमेशा फ्रीज़र में ही रखती हूँ, और फिर अगर केक जो है उसको देने में टाइम है तो उसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, अगर जल्दी देना है तो फिर मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ, जिससे कि जो केक है वो जल्दी से सेट हो जाए। तो आप भी अगर अर्जेंसी है, टाइम नहीं है आपके पास, तो केक को आप फ्रीज़र में रख के सेट कर सकते हो, कोई भी उससे दिक्कत नहीं आएगी। बस हाँ, बहुत ज़्यादा देर आप फ्रीज़र में मत रखिए, लगभग आधे घंटे तक, एक घंटे तक आप फ्रीज़र में रख सकते हो, इससे ज़्यादा आप उसको फ्रीज़र में मत रखो। और अब तो वैसे भी ठंड आ गई है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है सेट करने की, आप फ्रिज में भी रखोगे थोड़ी देर में तो केक बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और यहाँ पे देखिए जो केक का डेकोरेशन है मैं एकदम सिंपल सा ही करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन लेस ले ली है, और ये ईडेबल नहीं है, खा नहीं सकते हैं इसको हम, नॉन ईडेबल है ये। और इसको मैंने ना एक पतली सी मैंने कट कर ली है गोल्डन लेस, क्योंकि केक भी हमारा छोटा सा है, तो बहुत ज़्यादा अगर हम इस पर चौड़ी लेस लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने लेस को नीचे कवर कर दिया। और यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ का स्टार नोज़ल लिया है, और उसके साथ मैं पूरे केक पर रोजेट फ्लावर्स बना रही हूँ। वैसे मैं N1 नोज़ल का यूज़ करती, बट केक बहुत छोटा सा ही था तो मुझे लगा कि छोटा वाला स्टार नोज़ल का यूज़ करते हैं। इसमें मैं कोई भी कलर वगैरह का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सिंपल वाइट गोल्डन में ही मैं केक को रखने वाली हूँ। और जस्ट मैंने यहाँ पे चेरीज़ यूज़ किए हैं एक एक फ्लावर को छोड़ करके, जैसे जो केक का लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। और इसके बाद मैंने सारे ही फ्लावर्स में एक एक फ्लावर को छोड़ करके मैंने चेरी रख दी है, और फिर बीच में जो फ्लावर्स हैं इसके उसमें मैंने डाल दिए हैं गोल्डन बॉल्स। तो छोटे साइज़ के मेरे पास गोल्डन बॉल्स थे, तो जितने फ्लावर्स बच गए थे उस पर मैंने गोल्डन बॉल्स डाल दिए, और थोड़े से गोल्डन बॉल्स मैंने केक के मिडिल में भी डाल दिए, और एक हैप्पी बर्थडे का मैंने टैग लगा दिया, और इसी के साथ जो हमारा केक है वो कंप्लीट हो गया। और बहुत ज़्यादा लोग आए नहीं थे तो ईजिली ये केक भी जो है अच्छे से सबको पूरा हो गया था। और ये देखिए जब हमने गुरुद्वारे में इसको सेलिब्रेट किया था गुरु नानक जी के बर्थडे को, वहाँ पे हमने केक को कट किया था, तो कैसा लगा आपको आज का केक डेकोरेशन और आज की वीडियो? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ये रहा मेरा प्रसाद।